एक अंकल बहुत देर से अनाउंसमेंट कर रहे हैं घूमे हुए बच्चों की, और अब हमें लग रहा है हमें अपने भाई की रिपोर्ट करनी जानी चाहिए क्योंकि वो मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे। हम मेले में आ तो गए हैं बट हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि मेले में करना क्या है। Hi guys, welcome back to my YouTube channel and today's vlog. Hope you all are doing absolutely well. You already read by the title. आज के vlog में मैं आपको अपने साथ लेके जाने वाली हूँ मेला। मुझे याद भी नहीं है लास्ट मैंने मेला कब अटेंड किया था, लाइक मेमोरीज भी नहीं आ रही है, इतना 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 ज्यादा टाइम हो गया मेला अटेंड किए हुए मुझे। एंड ट्रस्ट मी, इस बार मुझे सिर्फ आप लोगों के लिए मेला जाना था। भोपाल में हर साल विंटर्स में भोपाल उत्सव मेला लगता है लेकिन मैं जाती ही नहीं हूँ, बट इस बार आई एम एक्साइटेड क्योंकि मुझे आपको भी दिखाना था कि मेले में, और मुझे वो वाइब वापस से फील करनी थी मेले की। So, क्योंकि अभी शाम के 3 बज गए हैं, हम 4 बजे के अराउंड निकलेंगे, दैट्स वाई मैंने अपना ये टर्टल नेक वाला स्वेटर पहन लिया। इसके ऊपर मैं अभी लेयर करूंगी, तो मैं अपने गेट रेडी विथ मी शूट कर रही थी 4 शॉट्स, सो मैं वो शूट करके आती हूँ और आपको मिलती हूँ फुल रेडी होने के बाद। हेयर आई एम ऑलरेडी, गेट रेडी विथ मी भी शूट हो गया और अभी आई हैव टाइम, सो मैं एडिट भी शायद अभी कर दूँ। सो हम जा रहे हैं, मैं, मम्मी और आकांक्षा और भाई। सो पहले सिर्फ मेरा, आकांक्षा और दिव्या का जाने का था, बट दिव्या ने लास्ट टाइम पे बोला कि मैं नहीं जा रही हूँ, तो फिर सिर्फ मैं और आकांक्षा हो गए। तो आई आस्क मम्मी एंड भाई, क्योंकि आज संडे था तो भाई भी घर पे था, सो वो भी ओके थे चलने के लिए, तो हमने कहा चलो ठीक है हम चारों ही चलते हैं। सो मुझे आकांक्षा को पिक करना पड़ेगा पहले, उसके बाद हम जाएंगे। सो अभी टाइम है क्योंकि भाई ने शावर तक नहीं लिया है अभी, और हम लोग फुल रेडी हो गए, तो मैं सोच रही हूँ पहले एडिट कर लूँ, जब तक मैं एडिट करूँगी वो नहा के आ जाएगा एंड फिर हम चलते हैं। देखो पिछले व्लॉग में मैंने बताया था मम्मी को टाइफाइड है, और आज मम्मी ऐसे बन ठन के सच के तैयार हो गई हैं मेले में जाने के लिए। और इनके साथ पता है क्या प्रॉब्लम है, इनको हर चीज मैचिंग चाहिए, तो लाइक अभी ठंड से बचने के लिए इन्हें गर्म सूट पहन लिया, इसके साथ दुपट्टा नहीं था तो इन्हें चलो मैचिंग का स्टॉल निकाल लिया किधर से भी। अभी इनको जूतियां मैचिंग नहीं लग रही, ये नहीं लग रहा है कि ठंड से बचना, कह रही है कलर अलग तो नहीं लग रहा है, लाइक इनको हर चीज ऊपर से, आपको हर कपड़े के साथ मतलब मैचिंग चाहिए कि जो आपने ऊपर पहना है वही आपने नीचे पहना। भाई आपको लगने लगती है गर्मी, आपको यही पैर के उससे ठंडक से बचा लेगा, आप मुझे मत पहनो। अरे भाई साहब, और वो देखो कद्दू तोड़ के ले आई ऊपर से। मैंने नहीं तोड़ा। किसे तोड़ा है? हाँ, ऊपर है ना, वो कह रहे थे गिरा हुआ पड़ा। गाइस मैं ये स्वाति ने मुझे फोन किया था, मैं लगा मेरे लिप बाम में उंगली कैसे डाली है? मैं तो डाल के लगाती। तुझे पता है इसके बाद क्या होने वाला है इसका? मैं लगाई नहीं पहली बार। उंगली क्यों क्यों डाली तूने? उंगली तेरी उंगली, तू इतने हाथ धोती नहीं है, पक अभी धो जाएगी। चल ढक्कन दे इसका। अब तो सच्ची में कर ली। हाय गाइस, माय नेम इज हेलो गाइस, माय नेम इज मानविका। और ये है स्वाति जो मेले में जा रही है, और जो इनकी ट्यूशन में एक स्टूडेंट आती है उसका नाम है ऋषिका, वो भी है ना मेले जा रही है और ये भी मेले जा रही है, तो फिर और फिर देखो दोस्तों ओमी कितनी अच्छी है, मैं मेले में जा रही हूँ इसलिए इसने मुझे 1 रुपए दिया है कि मैं मेले में जाके एंजॉय करूँ। ये आज तो चीज खाऊंगी मैं 1 रुपए की, ये मैं 1 रुपए की चीज तेरे लिए भी लाऊंगी मुक्कू, ठीक है? ये थैंक यू ओमी सो मच। जितना इस ज्यूक बैग का यूज मैंने नहीं किया है उतना मम्मी ने कर लिया है, पूरी हमारी ट्रिप पे इसको मम्मी ने यूज किया है। इसके अंदर मम्मी अपना टोपा टोमी सामान लगा के जा रही है। मैंने लिटरली अभी तक इसको एक बार भी कैरी नहीं किया है। क्यों कर ले, सब हम ही टांग ले। गाइस तो आपने अच्छा हुआ वीडियो चालू कर दी। गाइस हम मेला घूमने जा रहे हैं और एक मिनट मैं पहनूंगी। टाइम खोटी मत कर मेरा। देखो गाइस ऐसी बेंती होती थी।
ए पागल, कैमरे पे हाथ होगा तेरा। चल अगले। रीच्ड मेला एंड आकांक्षा कुशवा ज्वाइंड अस। हम इनके ड्राइवर थे। हियर इज द मम्मी एंड हियर इज द मेला। अभी हम अंदर जा रहे हैं। हियर इज द भाई, वो अपने फ्रेंड्स को कॉल कर रहे हैं क्योंकि उसके भी फ्रेंड्स आने वाले हैं। ये जनता आज ही आनी थी सारी। हम मेले में आ तो गए हैं, बट हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि मेले में करना क्या है। और ये लड़की कितनी फट रही है, एक भी झूले में नहीं बैठना चाह रही है। यार मैं इसको कन्वेंस कर रही हूँ झूले में बैठ जा मेरे साथ, बट ये नहीं बैठ रही है। और हम फाइंड आउट नाव में ही बैठना है, मेरे को इसको नाव में ही नहीं बैठना है। और हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि अभी हम क्या करें मेले में आके, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मेले में एक्चुअली करना क्या होता है। फाइंडिंग दैट। और अभी लाइट चल गई झूले की, तो मैं आपको अच्छे शॉट दूंगी। थोड़ी और रात हो जाने दो, फिर नाव में चले। नाश्ता कर लिया, अब हमने चाय पी ली, अब हम घर जा रहे हैं। ये लोग अग्री हो ही नहीं रहे किसी भी झूले के लिए। भाई के फ्रेंड शायद हो जाए, शायद बैठने मिले, बट तू भी टक लेना। मैं कोई तो चाहिए ना बैठने के लिए, डर का सामना कर रही है ना। हाँ क्या फायदा मेले में आने का, तो बैठेगा। आई जस्ट वांट टू नो योर मोटिव इधर आने का। विंडो शॉपिंग, I need a better company in Mela. To roam around. ये कलर कितना प्यारा लग रहा है। पहनाती हूँ उनको कलर। हाँ। ये रखे थे कलर के। अभी है एक एक, लेकिन उनके मेरे को ये कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये भी कलर है। ले लो यार मम्मी, उनके हैं। ज्यादा ले लो, चार ले लो। शी इज गोइंग, बीच राह में धोखा दे के। ये स्ट्रेट रास्ता, ज्यादा दूर तक नहीं जाना पड़ेगा अकेले। मैं जा रही हूँ। एक अंकल बहुत देर से अनाउंसमेंट कर रहे हैं घूमे हुए बच्चों की, और अब हमें लग रहा है हमें अपने भाई की रिपोर्ट करनी जानी चाहिए, क्योंकि वो मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पे 1% के नेटवर्क नहीं है कि आप इसको कॉल कर पाओ। कि राहुल पांडे किधर है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहा है, और हम सोच रहे हैं हम उसके साथ कुछ खा लें, मिल ही नहीं रहा है। हमने पूरे मेले में सिर्फ तुझे ढूंढा है, हमने कुछ नहीं किया। फोन लगा रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, कोई उठा ही नहीं रहा भाई। सेम हम भी सेम डिटो चल रहे थे, हम भी वही कर रहे थे। हम बाहर आ गए और अब हमें बहुत
से निकल के आके एक लोकल शॉप पे मोमोज खा रहे लग कैसे रहे? मोमोज बहुत अच्छे हैं। मम्मी ठंड के बारे में स्वेटर पहना, टोपी लगाइए। वी आर बैक यू गाइस, रात के 10:15 हो चुके हैं और मुझे याद नहीं कि मैं कब इतनी ठंड में बाहर निकली थी। मेरे ये हाथ जम चुके हैं, लेकिन हम लेयर करके पहन के गए थे, उसके बाद भी ठंड लग रही थी ड्राइव करने में। सो अभी थोड़ा काम होने में टाइम लग रहा है। नाउ आई एम गोना टेल माय एक्सपीरियंस विद मेला। एक तो हम वीकेंड्स पे गए थे, एक्सट्रीम लेवल भीड़ थी, एक्सट्रीम लेवल, लाइक कदम रखने को जगह नहीं थी। मैं और मम्मी बस हाथ पकड़ के चलते जाते, भाई के फ्रेंड्स आ गए थे तो वो चला गया था। सो द प्रॉब्लम इज कि वहां पे जस्ट बाजू में कहीं सर्कस लगा हुआ है, सर्कस वालों ने पूरा इंटरनेट बंद कर दिया है, जैम कर दिया है। उसकी वजह से ना फोन में नेटवर्क थे, ना हम किसी से कनेक्ट कर पा रहे थे। भाई को मैंने इतने कॉल्स ट्राई किए, वो लग ही नहीं रहा था, कनेक्ट नहीं रहा था। हम पूरे टाइम उसको ढूंढ रहे थे कि वो किधर है किधर है किधर, हमको नहीं मिला। एट लास्ट एक जगह नेटवर्क आया तो उसने बोला मैं पार्किंग में बैठा हूँ, मेरे फ्रेंड्स जा चुके हैं, आप इधर आ जाओ। फिर हम वहां गए और बिकॉज नेट नहीं चल रहा था, मेरे पास बिल्कुल कैश नहीं था, मैं कुछ भी परचेसिंग नहीं कर पाई, ना मैं कोई राइड पे बैठी, क्योंकि ना तो मम्मी राइड पे बैठी, ना तो आकांक्षा राइड पे बैठी। हाँ, और सिर्फ मम्मी एक धनवान व्यक्ति थी जिनके पास कैश था, तो मम्मी ने परचेस किए कड़े, लाओ वो उठाओ ये वाले उठाओ, भगवान जी के कपड़े। हाँ, सो मम्मी पूरे शॉप्स पे कड़े क्लिप ही देख रही थी, और क्लिप ली इन्होंने और वो वहीं छूट गई, वो लेके ही आई। सो ये येलो और रेड कलर के कड़े लेके आई है, ये सीप में। हाँ, तो इसमें मम्मी चमकीली है ना, ये चमकीली लगी हुई है, तो छूटेगी। कहाँ लगी चमकीली? ये चमकीली है ना, गया बीच में, नहीं इसमें चमकीली है, तो ये छूटेगी, तो इनकी क्लिप रह गई है। एंड ऑल्सो हम लेके आए हैं भगवान जी के, कृष्ण जी के ठंड के छोटे छोटे से कपड़े, ये बहुत क्यूट लग रहे हैं, और साथ में टोपी भी लाए हैं। अब मैं देख लिया इसको ना, अब देख के बना सकती हूं। और मैं जस्ट अपने लिए लेके आई हूँ ये दो पल्स वाली क्लिप, इतने बड़े मेले में जाके मैंने दो पल्स वाली क्लिप ली, वो पहले थी वो खराब होगी, क्योंकि मुझे ये अच्छी लगती है और ये लगाने पे भी अच्छी लगती है। सो सिर्फ मैं यही ले पाई हूँ क्योंकि इतना ही छुट्टा था मेरे पास। उसके बाद हमने सिर्फ खाया पिया है, व्हाट आई ईट इन अ मेला, उसका एक शॉर्ट्स आएगा वो आप देख लेना। अदरवाइज कोई भी राइड भी एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि उधर भी कैश ही चल रहा था, पेमेंट हो ही नहीं रहा था, हमारे पास कैश था नहीं, तो हम जस्ट भीड़ एंजॉय करके आए हैं। बट मेला काफी अच्छा लगा है और काफी बड़ा भी लगा है इस बार, और विंटर का तो काफी अच्छा सामान था इस बार मेले में। सो ये कुछ हमारा एक्सपीरियंस रहा मेले का इतने साल जाने के बाद। मम्मी आपको मेला जाके कैसा लगा? ये पता है इतनी हीरोइन बन के गई थी, जाते टाइम आते टाइम टोपाओं पर सब लगा के सब एकदम इतनी ज्यादा तेज, मैं बोली मेरे हाथ जम चुके हैं, बिल्कुल ऐसे एकदम ठंडे पड़ चुके हैं, इतना ज्यादा बाइक पे गाड़ी पे ऐसा लग रहा था, हवा लग रही थी हाथों में। मैं ग्लव्स लेके नहीं गई थी, मैं डबल लेयर करके गई थी तब भी मुझे ठंड लग रही थी। इस बार के मेले में मुझे जो ज्यादा चीजें दिखी वो सेरेमिक की थी, हैंडमेड चीजें ज्यादा थी, हैंडमेड चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी। लाइक मम्मी ने एक पीतल का अपना सिंदूरदानी लिया था, वो आई थिंक 25-30 रुपए का लिया था, लेकिन वहां हाँ 50 रुपए का लिया था, और वहां पे हमने एक लकड़ी का पता किया, उस पर जस्ट हैंड पेंट था और वो 250 रुपीज का बोल रहे थे, तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो गई थी, एंड मेले के हिसाब से तो और भी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही थी। अदरवाइज फूड के लिए इस बार बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत लंबी लीन थी फूड की, सबसे ज्यादा भीड़ उसी वजह से थी क्योंकि वो जस्ट झूले के सामने थे, तो वहां पे बहुत ज्यादा रश हो गया था। अदरवाइज सेरेमिक की चीजें बहुत ज्यादा है, विंटर कलेक्शन बहुत 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 ज्यादा है, एंड इस बार काफी अफोर्डेबल भी लगे हैं, लाइक आपको 150-200-250 रुपए में भी काफी अच्छी चीजें मिल जाएंगी। तो इस बार जो लगा है वो BHL में लगा है, जो भी भोपाल वाले हैं एक बार जरूर घूम के आए। आज संडे की वजह से रिटर्न में बहुत भीड़ थी, लाइक बहुत भीड़ थी पार्किंग, हम जब जिस लाइन से हम गए थे वहां पे पहले रोड खाली थी, बाद में वहां पूरी एंड तक मतलब बिल्कुल भर गया था। अच्छा हम जल्दी गए थे तो हमको पार्किंग सही जगह मिल गया था। सो या आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस मेला व्लॉग, इफ यू लाइक्ड इट गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। दिखा दी मैंने, अच्छा स्कूल के दिखा दी, ये भी दिखा दी टोपी। पहले हमारे पास वो बड़ी वाली फ्रॉक थी कृष्णा जी की, ऐसे जो खुली वाली जो नॉर्मल आती है ऐसे वुलन में, बट इस बार हम उन्हीं के साइज का छोटा लेके आए, ऐसे कोटी टाइप का, सो उनको ज्यादा अच्छे से फिट आएगा। मैं बस क्रोशिया तो मैं बना लेती। चलिए इस ब्लॉग को इधर ही पे एंड करते हैं, एंड आई होप यू एंजॉयड। इफ यू इतनी से पीछे डाल के बांध दी,
गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताना व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपने आसपास के खुश रहे। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू गाइस, यू यहां तक प्यार देते रहो, अच्छा लगता है। ओके बाय।